सैलाना सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग फिसड्डी रह गया, जोबट एमपी इलेक्शन में 77% से अधिक मतदान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। सूबे में इलेक्शन को लेकर वोटर्स में गजब का उत्साह दिखा। प्रदेश के बूथों पर जमकर भीड़ हुई। चुनाव के एक दिन बाद शनिवार देर शाम निर्वाचन आयोग ने राज्य में वोटिंग टर्न आउट का आंकड़ा जारी किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 77.15% मतदान हुआ, जो 2018 की तुलना में 1.52% अधिक है। सूबे की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। शनिवार रात ईसीआई द्वारा जारी मध्य प्रदेश के नवीनतम अंतिम मतदान आंकड़ों के अनुसार राज्य में 77.15% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में कुल पुरुष मतदाताओं में से 78.21% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि कुल महिलाओं में से 76.03% वोट देने पहुंची। आंकड़ों के अनुसार रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 90.10% मतदान हुआ, जबकि राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में अलीराजपुर जिले की जोबट सीट पर सबसे कम 54.37% मतदान हुआ। पिछले कुछ चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। 2003 में ये 67.25%, 2008 में 69.78%, 2013 में 72.13% और 2018 में 75.63% थी। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 41.02% वोट, कांग्रेस को 40.89% और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और अन्य पार्टियों को 10.83% वोट मिले थे। कांग्रेस से अधिक वोट शेयर पाने के बाद भी भाजपा ने 2018 में 109 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। बाकी सीटें बसपा 2, समाजवादी पार्टी 1 और निर्दलीय के खाते में 4 सीटें गई थी। तब कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में बसपा, सपा और निर्दलीयों की मदद से सरकार बनाई थी। हालांकि मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके प्रति वफादार विधायकों के विद्रोह के बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई, जिससे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की वापसी हुई थी। शुक्रवार को हुए राज्य चुनावों में भाजपा के सीएम चौहान और उनके पूर्ववर्ती और राज्य कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ सहित 2533 उम्मीदवारों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। राज्य में कुल 64,626 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।